एवरीवन, होममेड थोड़ी में आपका स्वागत है। आज हम आपके बनाने जा रहे हैं मूंग दाल चिप्स। मूंग दाल चिप्स के लिए हमें एक बॉल मूंग लेंगे, इसे बॉल में डाल लेंगे। इस दाल को मैंने 3 से 4 घंटे, मूंग की दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो लिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे जार में पीस लिया है। इसे इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट्री पीसेंगे। अब हम डाल देंगे जितना हमने मूंग की दाल ली है एक बॉल, उतना ही हम आटा लेंगे। एक बॉल हमने आटा ले लिया, एक बॉल हम लेंगे मैदा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम डालेंगे अजवाइन। हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी लगता है। अगर आपको लगता है कि इसमें ये चिपचिपा कर रहा है, हाथों में चिपक रहा है, तो इसमें आप और आटा मिला सकते हैं। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इसे हल्का सा हाथों पर तेल लगा देंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। इस तरीके से इसको डिवाइड करके इसकी लोइयां बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे तब चकले पे। ग्रीसिंग करने के बाद इसका हम बेलेंगे, इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। चपाती जो है हमारी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम साइज में ही हम इसको बेलेंगे। ना ज़्यादा इसे मोटा रखेंगे और ना ज़्यादा इसे पतला रखेंगे। इतनी लेयर होनी चाहिए। अब इसे फोर्क से इसमें छेद कर देंगे। इसे कट कर लेंगे, चाकू से, कटर से, किसी से भी आप इसको कट कर सकते हो। और छोटा करना चाहे तो आप और छोटा भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं चिप्स, तो आप इनको छोटा भी कर सकते हो। और बस इनको उठा के एक प्लेट में रख। बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। में
जितने भी उसमें कढ़ाई में डाल सकते हैं उतने हम डाल देंगे। स्लो फ्लेम पर ही इसे बनाना है। थोड़ा सा पलट देंगे इसे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको हम निकाल देंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए अगली बार आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपीज लेके आ सकूं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।